गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ पावर इंजीनियरिंग। इन पावर इंजीनियरिंग दैट इज फर्स्ट यूनिट यू हैव टू स्टडी अबाउट द आईसी इंजन। सो आईसी इंजन वी आर गोइंग टू सी द लास्ट साइकिल दैट इज ड्यूल साइकिल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूल साइकिल। सो कंटेंट ऑफ द लेक्चर इज ड्यूल साइकिल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ओनली अबाउट द ड्यूल साइकिल। आज के लेक्चर में हम जो है केवल और केवल बात करेंगे ड्यूल साइकिल के बारे में, क्या क्या प्रोसेस होता है ड्यूल साइकिल में। और जिस तरह से हमने लास्ट चार साइकिल के बारे में बात किया था, उसी तरह से ड्यूल साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल साइकिल। सो ड्यूल साइकिल इज आल्सो नोन एज मिक्स साइकिल। ध्यान दीजिएगा, ड्यूल साइकिल को हम लोग मिक्स साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल को कंबाइन करके यहाँ पर ड्यूल साइकिल को बनाया गया है। लिसन केयरफुली, इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स साइकिल बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को मिलाकर हम यहाँ पर ड्यूल साइकिल को हम लोग बनाते हैं। ड्यूल का मतलब होता है दो चीज, अर्थात ड्यूल मीन्स नथिंग बट वेयर टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन सेम प्रोसेस। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ड्यूल साइकिल, बिकॉज यहाँ पर जो क्या होता है, हीट जो सप्लाई होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। ध्यान दीजिएगा, हीट इज सप्लाइड पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर हम हीट का जो सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर भी करेंगे। और ये जो है हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो हमने लिखा है, इट इज यूज फॉर हाई स्पीड डीजल इंजिन। सो दिस इज द पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ड्यूल साइकिल। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है, ये पीवी डायग्राम हो गया और ये टीएस डायग्राम हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन बेटर वे आई विल टेक वन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव ए सिलेंडर, ओके। सो सपोज दिस इज एन सिलेंडर एंड ये जो है आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर जो है हॉट बॉडी को रखा गया है और यहाँ पर कोल्ड बॉडी को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका हॉट बॉडी और ये हो गया आपका कोल्ड बॉडी। अब इस सिलेंडर में जो है ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक, ये आपका हो गया पिस्टन। तो पिस्टन जो है ये हो गया आपका, ठीक, ये आपका हो गया पिस्टन और ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में जो है एयर भरा हुआ है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एयर इज फिल्ड इन दिस सिलेंडर। अब हम क्या करते हैं पहला प्रोसेस में कि हम जो है इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब कि इस सिलेंडर को हम इधर ढक लेंगे, मतलब कि वी आर गोइंग टू मूव द सिलेंडर दैट इज पिस्टन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। दैट इज यहाँ पर जो है हम राइट से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर जो है हम इसको मूव कर रहे हैं। तो जब हम इसको धक्का देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है घटेगा, यानी कि यहाँ पर जो है कंप्रेशन प्रोसेस होगा। हेयर द प्रोसेस विल बी कंप्रेशन प्रोसेस। सो कंप्रेशन प्रोसेस होगा, तो सपोज अभी जो है पिस्टन का जो है इनिशियल पोजिशन यहाँ पर है, ठीक है। जब हम इसको धक्का दिए तो यहाँ पर आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम आइडियाबेटिक कंप्रेशन करने जा रहे हैं। आइडियाबेटिक कंप्रेशन करने का मतलब, आइडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट ऑफ एडिशन एंड नो हीट ऑफ रिजेक्शन। मतलब कि हीट का ना तो इंजेक्शन होगा और नहीं रिजेक्शन होगा, ठीक है। एडिशन और रिजेक्शन दोनों नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो है कांस्टेंट इंट्रोपी रहेगा। इंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वन से टू क्या है, इंट्रोपी कांस्टेंट है। और हम यहाँ पर जो है कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है घटेगा। तो देखिए वॉल्यूम यहाँ वन था और यहाँ टू आ गया, ठीक है, तो घट रहा है। और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका देखिए कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा। सो प्रेशर विल इंक्रीज फ्रॉम पी वन टू पी टू। तो इसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं आइडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइडियाबेटिक इज नथिंग बट देयर इज नो हीट ऑफ एडिशन एंड रिजेक्शन देन इट विल कॉल्ड एज ए आइडियाबेटिक प्रोसेस। सो वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई द हीट हेयर, सो इट दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए आइडियाबेटिक एंड वी आर गोइंग टू कंप्रेस, सो आइडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सप्लाई द हीट, that is addition of heat at constant volume. So process 2 to 3 there will be the constant volume heat addition process. See 2 से 3 में क्या है कि
वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा और हीट का जो है एडिशन होगा, डेट इज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड करने जा रहे हैं। तो हमने जो है लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, पिस्टन जो है आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ था, उसके बाद जो है पिस्टन यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो जब पिस्टन यहाँ पर आ गया था तो वॉल्यूम घट गया था। अब हम जो है हॉट बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाएंगे, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था हॉट बॉडी था, ठीक है। तो हॉट बॉडी को हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में लाएंगे एंड वी आर गोइंग टू एट द हीट, दैट इज एडिशन ऑफ हीट, वी आर गोइंग टू डू द एडिशन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट रहेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टू से थ्री में क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टू से थ्री में क्या होगा, हम हीट को ऐड कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड द हीट, दैट इज एडिशन ऑफ हीट। सो प्रेशर सॉरी टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो टू से थ्री क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है इंट्रोपी भी बढ़ेगा, इफ वी आर गोइंग टू ऐड द हीट देन देन इंट्रोपी ऑल्सो विल इंक्रीज, सो इंट्रोपी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा टू से थ्री में। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, लिसन केयरफुल्ली। इन लास्ट लास्ट प्रोसेस आई टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू ऐड द हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द हीट दैट इज इन थ्री टू फोर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हाउ If we will add the heat, then temperature will also increase and entropy will also increase. So 3 to 4 में देखिएगा entropy क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, temperature भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. So temperature will also increase and entropy will also increase. And if we will talk about the volume, so volume will क्या, volume will 3 to 4 means volume क्या होगा आपका, increase हो जाएगा, volume क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. सो ये जो है प्रोसेस थ्री टू फोर वी आर गोइंग टू ऐड द हीट, सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड, दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सी लिसन केयरफुली, द वर्ड कम्स एडियाबेटिक मीन्स एंट्रोपी विल रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक इज नथिंग बट देयर इज नो एडिशन ऑफ हीट एंड नो नो expansion of it, that is cooling process. So we are going to expand, that is here we are going to do the expansion process. So expansion process होगा तो आपका क्या होगा, temperature क्या होगा, घटेगा, so temperature will decreases from T4 to T5. See temperature क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, but we are going to expand at adiabatic, so entropy will remains constant. So entropy will remains constant, temperature will decreases from T4 to T5. And if we will talk about the pressure and volume, so T4 to T5 pressure will decreases because we are going to expand. So expand karne ka matlab pressure kya hoga, decrease hoga, and volume will increase because in expansion process द वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेस। सो ये था आपका 4 to 5। द लास्ट प्रोसेस इज दैट इज प्रोसेस 5 to 1, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। सी बिफोर दैट इन बिगनिंग आई टोल्ड वेन वी आर गोइंग टू एड द हीट, सो वी द हीट विल बी रिजेक्शन, हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमने हीट को डाला था। सो इन 5 to 1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अर्थात we are going to keep the volume as a constant, that is where the piston comes there only they will stop, because in beginning from there it started, it reaches the original position. So now there will be no expansion, no compression, only constant volume. So at constant volume process we will going to reject the heat. So here the rejection of heat will be there. So heat rejection means nothing but temperature will decreases, so temperature will decrease from T5 to T1, and entropy will also decrease because heat rejection process. If we will talk about the pressure, so pressure will also decrease 5 to 1. So see pressure decreases 5 to 1, volume remains constant, temperature decreases, entropy decreases. So again this process will start from 1 to 2, and this cycle will be always repeat, and there will be the production of power. To understand in a better way, you can refer this book whatever I have written,
So this will book will help you to understand in a detailed manner. So much, students.